राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मजहब इस्लाम के दूसरे सबसे बड़े त्यौहार ईद उल अज़हा की आमद आमद है, लेकिन इस बार की ईद उल अज़हा कुर्बानी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए थोड़ी मुश्किल होती नज़र आ रही है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होने के लिए यहाँ की मंडियों में अभी तक वाफर मकदार में ना तो बकरे आए हैं ना ही बड़े जानवर, और जो जानवर मौजूद हैं उनकी कीमतें आसमान छूती नज़र आ रही है। खास तौर से मकामी मंडियों में इस साल बैरून शहर के आला नस्लों के बकरे यहां देखने को मिले, जिनकी कीमत सुनकर एक आम और मुतवसित तबका का आदमी परेशान होता नज़र आ रहा है। हालिया दिनों में हुए लोकसभा इलेक्शन के दौरान हुई नाकाबंदी और गाड़ियों की सख्त चेकिंग के सबब भी मालेगांव शहर समेत दीगर शहरों की मंडियों में भी जानवर नहीं लाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पहले से मौजूद जानवरों के भाव काफ़ी बढ़ गए हैं और कुर्बानी ख्वाहिशमंद शख्स की जेब पर भारी बोझ बढ़ता नज़र आ रहा है। मंडियों में जानवरों के व्यापारी भी अक्सर खाली बैठे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ कुर्बानी के लिए जानवर देखने आए अक्सर अफराद जानवरों की कीमतें सुनकर ही वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा कीमत में उन्हें अपनी पसंद का जानवर नहीं मिल पा रहा है। ईद उल अज़हा को तकरीबन 8 दिन बचे हुए हैं, अब देखना यह है कि क्या दीगर शहरों के व्यापारी भी जानवर लेकर यहाँ पहुँचते हैं, या फिर जानवरों की कीमतों में कमी वाकई होती है, या फिर अब की बार ईद उल अज़हा की तैयारियों में महंगाई हावी होती नज़र आएगी। आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बकरीद को लेकर यहाँ जो बाजार लगा हुआ है, क्या हाल चाल है बाजार का? बाजार जो है तो पिछले साल से 5-7 हज़ार रुपये कीमत में बढ़ गई, कीमत 5-7 हज़ार रुपये के अंदर जो है तो माल बहुत पकड़ा ही आ रहा है। माल की कुर्बानी नहीं करेंगे तो कौन से माल लेने आए ले? हाँ लेने आए, क्या नाम है आपका? नहीं भाई, कहाँ से आए आप? हमारे आगरा से। आगरा से कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? 20-25 साल से आ रहे हैं। क्या तकलीफ, मतलब रास्ते में आगरा से जाने के लिए कोई दिक्कत? आगरा से नहीं, गुजरात से ढोल लाते हैं उसमें तकलीफ आती है। अच्छा, रास्ते में ढोल पकड़ लेते हैं, पालतू के जानवर रहते हैं, गावन रहते हैं, घरेलू लोग को बेचते हैं और सीधे 5 रुपये में डाल देते, नुकसान बहुत होता हमारे। अच्छा, ये जो आप काला माल लाते हैं इसकी तो काले माल को ज्यादा दिक्कत देते, हम सफेद माल का धंधा नहीं करते। मालेगांव में क्या रिस्पांस मिलता है व्यापार को लेकर? व्यापार होने का तो जैसा माल के ऊपर होता है ना, जैसा माल होता है उसी कीमत, जैसे कीमत होती है 50 से लेकर 80 हज़ार लाख, 50 हज़ार की बिकती, 60 की बिकती, 70 की बिकती, और वो गावन भैंस लोग किसान पालते हैं यहाँ पर, और वो लोग रस्ते में पकड़ के 5 रुपये में डाल देते, वो भैंस छूटने नहीं देते, पालतू का पालतू बेचते हैं, पकड़ लेते हैं।